हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एल्विश यादव और आसिम रियाज के रिलेटेड। तो क्या आसिम रियाज पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया एल्विश यादव? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एल्विश यादव में से वाइब आ रही थी सिद्धार्थ शुक्ला वाली, जहाँ इसी पर रिएक्ट किया अपने लाइव कॉन्सर्ट में आसिम रियाज ने बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला की जगह कोई नहीं ले सकता, और उसके बाद मिडल फिंगर शो कर दी। जहाँ इसी पर अपने रिसेंट ब्लॉग पर बात करते हुए दिखे एल्विश यादव, उन्होंने बोला कि कोई एक्स कंटेस्टेंट है जो कि काफ़ी फेमस है, उन्होंने ऐसा सब किया, उन्होंने मिडल फिंगर शो किए, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो सामने करे तो समझ में आता है, पीठ पीछे तो सब लोग बोलते। तो आपका ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है अक्षय कुमार की न्यू मूवी वेलकम 3 के रिलेटेड। तो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, जहां उसका अनाउंसमेंट हो चुका है ऑफिशियली और उसमें काफी सारे स्टार्स है। तो आपका ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है एल्विश यादव और उर्वशी रौटेला के म्यूजिक वीडियो हम तो दीवाने के ट्रीजर के रिलेटेड, जो कि आपको 12 सितंबर को 11 बजे यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका ख्याल है ये रिकॉर्ड तोड़ेगा मनीषा रानी, टोनी कक्कर और फुकरा इंसान और जयशंकर के ट्रीजर का? कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है शाहरुख खान के रिलेटेड। तो क्या शाहरुख खान गुस्सा हो गए एक फैन के ऊपर जिसने ट्वीट किया था इतनी लड़कियां क्यों है सर फिल्म में, जहां इसका रिप्लाई किया शाहरुख खान ने, ये सब क्यों गिन रहा है, मेरे लुक्स गिनना, कीप लव एंड रिस्पेक्ट इन योर हार्ट एंड माँ और बेटी का सम्मान करो और आगे बढ़ो। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है इंडियन रैपर पैराडॉक्स के रिलेटेड। तो पैराडॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली और उन्होंने बताया कि उनके नाम पर फेक टिकट्स बेची जा रही है, जहां उन्होंने ये भी बताया कि ये सब कुछ ना बिलीव करे। उन्होंने बोला कि अगर वो कोई भी लाइव कॉन्सर्ट करते तो उसका स्टोरी डालते और टिकट्स की लिंक्स भी डालते। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।